और एक सिंह जिहड़ा गुरु साहिब दी हजूरी विच ते पंज सिंह जिहड़े अमृत तैयार करदे ने उन्हां पंजां नूं हदायत है कि उह वीर रस दे विच अमृत दे बाटे ते बहिंदे ने और एक हाथ जिहड़ा है खब्बा हाथ बाटे दे कंडे ते धरे ते सज्जे हाथ नाल खंडा जल विच फेरी जावे ते जिहड़ी उहनां दी सुरत है पंजां प्यारिआं दी उह एकागर होवे ते बाकी दिआं दे दोवें हाथ बाटे दे कंडे ते अते ध्यान जिहड़ा अपने जिहड़ियां अखां ने उह बाटे वल होणियां चाहीदियां ने क्योंकि अखां दे विच बड़ी कछश है। कई बार आपां वेख के कह दिंदे भी उह फलाने बंदे दीआं यार अखां बाणी पढ़न वाला बंदा है। कई बार अखां वेख के आपां इह भी कह दिंदे भी यार बंदे ने कोई नशा कीता लगदा है ते कई बार अखां वेख के आपां इह भी कह दिंदे भी इहदी वेखणी चंगी नहीं। अखां वेख के इह भी कह दिंदे यार भला मानस लगदा वेख वेखणी किड्डी वधिया इहदी। इह बंदे दीआं अखां जिहड़ियां ने इहदे विच बहुत कुछ है, बड़ा कुछ वेखण वास्ते मिल जांदा है बंदे नूं। अखां दी कशिश, अखां दी खिच जो अंदर है वो इन्हां अखां राहीं इस रसना राहीं जबान राहीं बंदे दे बाहर आउंदा है जो अंदर है। जे अंदर बाणी है, अंदर भगती है, अंदर शक्ति है, उही शक्ति इन्हां अखां राहीं अमृत दे बाटे विच अनुभव कर जाएगी। तां मर्यादा दे विच दस्या होया भी जिहड़ा अपना ध्यान है एकाग्र चित होवे और अखां जिहड़ियां ने सुरत ध्यान जिहड़ा अखां दा उह वी बाटे विच होना चाहीदा है। और इस तरह जिहड़ा अमृत दा बाटा जिहड़ा तैयार करना पाठ होण मगरों प्यारिआं विचों कोई एक अरदास करे, जदों पंजां बाणियां दा पाठ हो जांदा इहनां बाटे ते ते छेआं सिंघां दे विचों इक जणा जिहड़ा अरदासा सोधे। पाठ कहिहड़ा है? जप, जाप, सवैये ते बेनती, जिहनूं आपां चौपाई साहिब कहिंदे आ, इह पढ़नी है दुष्ट दोख ते लहु बचाई तक ते आनंद साहिब दीआं, आनंद साहिब पूरा संपूर्ण आनंद साहिब। इहनां पंजां बाणियां दा जिहड़ा पाठ है अमृत दे बाटे ते जिहड़ा है उह पढ़िया जाणा चाहीदा है। तकरीबन सारे इह पंज बाणियां ही पढ़दे ने और जिस अबलाखी ने अमृत दी तैयारी वेले सारे संस्कार च हिस्सा लिया होवे उही अमृत छकण विच शामिल हो सकदा है, अध वाटे आउण वाला नहीं हो सकदा। जदों अमृत दा बाटा तैयार हुंदा है ना ते टाइम दित्ता जांदा है भाई तुसीं 12 बजे पहुँच जाणा अंदर, ते अमृत उही छक सकदा है जिहड़ा पूरे सही टाइम नाल अंदर एंटर हो गया। अध वाटे वाला अमृत नहीं छक सकदा कि अमृत दे बाटे दा समां 12 बजे दा है। कोई बंदा कहे भी 1 बजे मैनूं एंटर कर लवो ते मर्यादा है भी वह नहीं, क्योंकि बहुत कुछ उहदे तों पहलां जिहड़ा है वह समझाया जाणा है। बहुत कुछ अमृत छकण तों पहलां भी समझाया जाता है ते अमृत छकण तों बाद भी समझाया जाता है। इस करके दसना कीता भी अध वाटे वाले नूं जिहड़ा अमृत है वह नहीं छकाया जा सकता, भाव जिहड़ा अध विचकार आया पूरे टाइम नाल सही टाइम नाल तैनूं अंदर जिहड़ा है जिथे अमृत का बाटा तैयार हुंदा है एंट्री करनी पवेगी। फिर उस तो बाद हुण श्री कलगीधर दशमेश पिता ध्यान धर के हर एक अमृत छकण वाले नूं वीर आसन करा के उहदे खब्बे हाथ उपर सज्जा हाथ रख के पंज चुले अमृत दे छकाए जाण। हर चुले नाल इह कहा जावे बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छकण वाला छक के कहे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, फिर पंज छटे अमृत दे नेत्रां पर छणके जाण।
इस तरह पांच छटे जड़े ने अमृत के केसा विच पाए जान। इस तरह अमृत जड़ा है वह छकाया जाता है। अमृत जड़ा है जिस तरीके नाल मर्द नू छकाया जाता है इस तरीके नाल ही औरत नू छकाउण दी जड़ी है मर्यादा है। कोई वक्री मर्यादा नहीं भी औरत नू अमृत छकाउण दा कोई तरीका होर है मर्द नू अमृत छकाउण दा तरीका कोई होर है इको ही है। उपरंत पंजे प्यारे रल के इको आवाज़ नाल अमृत छकण वालिया नू वाहिगुरू का नाम दस के मूल मंत्र सुनाउण ते उन्हां पासों इसका रटन भी कराउण। कुछ समा जिहड़ा है मूल मंत्र का जिहड़ा है पाठ पढ़िया जाना चाहिए है तां जो सारिआं दी जिहड़ी सुरत है वह बाणी नाल उस अकाल पुरख वाले पासे जुड़ी रहे। ते नाल दी नाल जिहड़ा अमृत छकना साडे वास्ते बहुत जरूरी है। सिक्खी स्कूल विच दाखला है साडा दाखला ही इस तरीके नाल पातशाह ने तैयार किया कि दाखला लैना किवें है। जे तू चाहुंदा मैं सिक्खी स्कूल विच दाखल होवां तो फिर तैनू अमृत छकना बहुत जरूरी है। अमृत छकना पवेगा तैनू जे तू कहिंदा मैं सिख वेखो डॉक्टर का पुत डॉक्टर नहीं हो सकता जिन्ना चिर तक कोर्स नहीं करता उन्हूं कोर्स करना पैना है। इस तरह फौजी का पुत्र फौजी नहीं हो सकता जिन्ना चिर तक वह भर्ती नहीं हुंदा। ते खालसा फौज है अकाल पुरख की साजी हुई फौज है। तो जे तू अपने आपू सिख बना चाहता भी मैं सिख हाँ तो सिख बन तो पहला तेनू ट्रेनिंग लैनी पैनी है सिक्खी स्कूल में दाखला लैना पैना है। उस तो बाद तेनू स्टडी करनी पैनी है सतगुरों की बाणी की। तो दाखला लिए आप लेट ना हो जाइए आपको बच्चा पाँच साल का हो जाता तो आपको फिक्र पै जाता कि मेरा बच्चा पाँच साल का हो गया मैं इनू फलाने स्कूल विच फलाने कॉलेज विच पाउणा मेरा बच्चा लेट ना कि हो जाए उम्र लंघदी जाती है। तो इस तरह साड़ी भी उम्र जिहड़ी बतीत हुंदी जाती है ज्यों ज्यों दिन चढ़त है त्यों त्यों अवध घटत है। जिवें जिवें दिन चढ़ता तो दिन उम्र जिहड़ी घटती जाती है। मात कहे सुत बद्दा होत है इतना को ना जाने। माँ तो कहती मेरा पुत 18 सालों का हो गया मेरा पुत 20 सालों का हो गया अमर पातशाह जी कहते इन्ना नहीं जानती यदि उम्र पिछों दिन भी घटते जाते हैं। जो जन्म है तो सर पर मरना जिदा जन्म होया दी मौत हो जानी है उम्र घटती जा रही है। इस करके रब के प्यारे समा बतीत हो रहा है तो आप समय नू अजाया ना जान दईए जल्दी तो जल्दी सिक्खी स्कूल विच जिहड़ा दाखला लईए उस तो बाद जिहड़ी स्टडी है पढ़ाई जिहड़ी है वो शुरू करिए। पढ़ाई आप कर सकते हैं करो पढ़ाई गुरबाणी का अभ्यास करना गुरबाणी नू समझना ये साड़ी पढ़ाई है। 1430 अंग हुण ते साडे ते सानू ते गुरु साहब जी दे के गए ने ना महान ग्रंथ जिस ग्रंथ के मुकाबले ते कोई अज तक ग्रंथ नहीं जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का किताब मिलिया। तो साढ़े जड़े सिखा भैन भरावान ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों खोज बड़ी घट की है। तो कि फॉरन कंट्रियाँ जो बाहरले लोग ने गोरे लोग होर जापान वर्गे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अध्ययन करके ये खोज की। मैं एक दिन अगे भी बेनती की सी मुसलमान कुरान कहती है कि सत पताल ने सत धरतियां ने इस तो अगे कुछ है नहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है लख पातालां पाताल लख आकाशा लखा ही ने अंत ही नहीं बेअंती है। धरतियां का कोई पता नहीं किन्नियां क धरतियां ने कोई पता ही नहीं बेअंती धरतियां ने पातशाह की बाणी कहती है। तो जदों अज साइंस ने खोज की वाकया इहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता ये बेअंती है। उन्होंने खोज कर ली सतगुरों की बाणी तो भी वाकई दे विच इदां लिखिया होया है। आपां अजे तक भी साडे विच हैगे ने जिहड़े अजे तक भी तान मूँह करके कहिंदे ने उपर रब बैठा। उन्होंने खोज कर ली साइंसदानां ने खोज कर ली पलाट ते पहुँच गए इत्थे रब थोड़ी बैठा इत्थे भी जमीन ही है ये भी धरती है पढ़े लिखे वीर बैठे पता ही है।
उन्होंने पता लग गया भी बाबे नानक ने किन्ना समा पहला सानू साढ़े आप कह दें फलाना मुल्क साढ़े तो 100 साल अगे आ तो साई 550 साल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक पातशाह महाराज नूं प्रचार करदे हो गए ने ते आपां किन्ना समा अगे होना सी जे आपां सतगुरां दी बाणी पढ़ी हुंदी तां 100 साल की तो गल ही बड़ी निघी जी है पर कारण यह हो गया भी असीं सतगुरां दी बाणी नूं नहीं पढ़िया सांभ के जरूर रखिया सी मानसिक तौर पर गरीब हाँ सी ते अज भी भूतां प्रेतां दे चक्कर च पए होए असीं अज भी जादू टूणियां दे चक्कर च पए होए आ असी अज भी मड़ियां कबरां दे चक्कर विच पए होए असी अज भी थित्तां वारां दे चक्कर विच पए होए आ जदों गुरु नानक पातशाह महाराज ने लोगों को कढ़िया सी इन्हां विचों वहिमां भरमां विचों असी अज भी उत्थे ही हैं कोई साडी मानसिकता तौर पर असी बाली कोई तरक्की नहीं की अज भी उत्थे टिके होए असी सो इस करके सतगुरां दी बाणी पढ़िया करिए सतगुरां दी बाणी सुनिया करिए ते बाणी बन जाइए फिर साडा विकास होना है दिमाग का विकास सो सतगुरां दी बाणी सानू बड़ा कुछ समझाउंदी है बहुत कुछ सानू सीखण वास्ते सतगुरां दी बाणी तो मिलदा फिर एक जिंदगी जिहड़ी है सुखाली जी जिंदगी बन जाती है बंदे की जदों बाहरों भी मजबूत होवे पंज ककारी होवे ते अमृतधारी होवे ते अंदरों सतगुरां दी बाणी होवे बाहरों विखावा ना होवे मैं मेरे को कई दिन हो गए एक शिकायत आई सी इधर सुल्तानपुर वाले पास्यों कहिंदे जी एक अमृतधारी बंदा उहदी करियाने की दुकान है ते तंबाकू बीड़ियां वेचदा तंबाकू बीड़ियां सिरगटां ते जिहड़ा गुरसिख है ना जिहड़ा सिख है तुसीं ते इतिहास तों वी वाकिफ हो सतगुरां दा घोड़ा नहीं सी नंघिया तंबाकू वेचदी ते रहत मर्यादा दे विच बकायदा तौर पर लिखा होया वा भी सिख तंबाकू सिख नूं जिहड़ा वरतना वर्जित नहीं है हाथ लाउणा भी सिख वास्ते पाप है जिहड़ा वरतदा उहदे नाल भी मिलवरतन नहीं रखना इन्ने सख्त हदायत दिते ने सानू सिखां नूं काश करके एक बीमारी है एक रोग है साइंस अज खोज करके दसदी आ भी इहदे नाल कैंसर हुंदा पढ़दे आ ना आपां रेलवे स्टेशनां ते पढ़दे आ एयरपोर्ट ते पढ़दे आ बस अड्डियां ते पढ़दे आ भी तंबाकू से कैंसर होता है लिखिया मिलदा आपां नूं है ना ते गुरु साहिब किन्ना समा पहले ही सानू दस गए भी नहीं ये नहीं वरतना ये बीमारी है इहदे नाल बीमारी फैलदी है साइंस ने अज खोज करके दस्या पर साडे बापू ने किन्ना समा पहला दस्सता बाणी अंदर भी लिख के पाण सपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलाइया किहड़े जम कैंसर जामी है जदों कैंसर बंदे नूं आण के चंबड़दा ते जम चंबड़ पिया इहो जे जम कैंसर वर्गे हौ ते सघोल घमाया पर नारी की सेज ना जाए पातशाह ने किन्ना समा पहला कह दिता साइंस ते अज खोज करदी है ना भी एड्ज वर्गियां बीमारियां लग जाणगियां कैंसर वर्गियां बीमारियां लग जाणगियां पातशाह जी कहिंदे इहो जम ने जदों जम तैनूं आण के चंबड़ के ते ना तेरा खैड़ा नहीं छड़ना इस करके इन्हां कोलों बच के रहना है पातशाह ने हदायत देती सानूं बाणी अंदर रहत मर्यादा अंदर बकायदा तौर पर लिख दिता भी नहीं ये तंबाकू बीड़ियां सिरगटां ये नशे जिहड़े तूं सिखा नहीं करने हाथ लाउणा भी तेरे वास्ते एक महापाप है सो कल उन्हां कोले गए उन्हूं जाके समझाया पहलां तो बड़े तड़ेंग फड़ेंग जे बोलण फिर थोड़ा जिहा जदों फिर कई बार दसना पैंदा भी नहीं ये साडे वास्ते चंगी गल नहीं है मेरा कहण दा भाव मेरा यही है भी अमृत ते भावें असीं छक लैंदे आ कृपान पा लैंदे आ पर अंदरों कई बार मजबूत नहीं हुंदे असीं बाहरों विखावा कर लैंदे आ भी आ देखो मैं अमृत छकिया आ देखो मैं कृपान पा ली आ देखो मैं गात्रा पालिया वेखो मैं चोला पालिया तमाला बन लिया पर अंदर साडे जिहड़े अजे तक उही कर्म कांड भुलेखे जिहड़े पए होए ने सो सानू इहदे तों निकलना चाहीदा जी नशियां तों बचिए सो गुरू वाले बणिए सिंघ सजिए समा बड़ा अमोलक है ये समय का मुल कोई नहीं जिहड़ा समा सानू मिलिया होया ना अमोलक मुल ही कोई नहीं इस करके इहनू अजाया ना जाण दईए जिन्ना भी समा अपने कोल हैगा जल्दी तो जल्दी गुरू वाले बणिए अमृत छकिए कई बार साडे मन अंदर एक होर भी गल आउंदी है देखो जी जदों
जदों गुरु कृपा कर देवेगा तो बेनती प्रवान करो। जे पातशाह जी कहिंदे बहुत ऐसे होए जिहड़े माँ के गर्भ विच गल गए जिन्हां दा जन्म ही नहीं हो सकिया, तो तेरा जन्म होया समझ ला, जदों तेरा जन्म होया ना तो तेरे ते रब की कृपा हुई है, तेरे ते कलगीधर दशमेश पिता की कृपा हुई, तेरे ते गुरु की कृपा हुई, तो तेरा जन्म होया नहीं तो तेरा जन्म ही नहीं सी होना। तो जे तेरी उम्र मान ला 50 साल हो गई है, जे तेरी उम्र 60 साल हो गई है, जे तेरी उम्र 20 साल हो गई है, तो 20 साल हो गए ने तेरे ते कृपा हुई नूं, हुण कृपा नूं की करना फिर तू संभालना। तो मैं आप कृपा नूं संभाल ही रहा, रब ने तो मेरे ते कृपा की है, मैनू मनुखा जीवन दे दिता, रब ने मेरे ते कृपा की है मैनू साह दे रहा, रब ने मेरे ते कृपा की है मैनू जीवन दिता, हुण मैं उहदी कृपा नूं संभालना। इस करके कृपा साढ़े ते होई है, ये तो एक बहाने होंदे ने, कृपा होई है रब की तो कृपा नूं संभाल लईए। दूजी गल एक होर भी होंदी है, देखो जी मन साफ होना चाहिए, अमृत छकण की की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिथे पंजां प्यारियां नूं अमृत छकाया सी उत्थे पंजां प्यारियां कोलों आप भी मंग कीती, कहिंदे मैनू भी अमृत छकाओ, पंजां प्यारियां नूं कहिण लगे, कहिंदे जी तुसीं अमृत छकाउण लग्या साढ़े सीस लए ने, सीस लए ने साढ़े, तुसीं की दिंदे हो? ते पातशाह जी कहिंदे एक सीस जे लै के एक दिता तो फिर बराबरी कम हो गया, फिर तो मैं पूरा सरबंस वार देंगा, पूरा परिवार वार देंगा। तो पातशाह ने अमृत की दात पिछे अपना सरबंस वारिया, अपना परिवार वारिया, छोटे छोटे बच्चे वारे ने, तो अमृत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने छकिया, पूरे परिवार ने छकिया। सो रब दे प्यारियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिथे अमृत दात देंदे ने उत्थे उन्होंने खुद अमृत छकिया। इतों सिद्ध यह हो गया कि भावें गुरु होवे ते भावें चेला होवे, अमृत छकना साडे वास्ते बहुत जरूरी है। मन साफ की गल नहीं है, अमृत छकना बहुत जरूरी है। अमृत छकीए, गुरु वाले बनीए, सिंह सजीए। आईआं संगतां दा धन्नवाद, होईआं गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।